नमस्कार। कक्षा 8 एक्सरसाइज 2.5 का प्रश्न नंबर 3 आज हम करने जा रहे हैं। ये है x प्लस 7 माइनस, ये माइनस का निशान है, x प्लस 7 माइनस 8x बराबर 17/6 माइनस 5x/2। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो यही होता है कि x वाली सारी रकमें हम एक तरफ ले आएं। तो आइए हम देखते हैं, यह है x माइनस 8x, तो ये तो यही हल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 8x में से 1x निकाल दिया, 7x, 7 में साइन बड़ी रकम का माइनस, और यहाँ से ये है x वाली रकम, दूसरी ये है, ये को इसको और इसको तो हमने हल कर लिया। एक x वाली रकम ये है, बराबर का निशान यहाँ है, इस x वाली रकम को हम बराबर से उधर लेकर जाएंगे, ये है माइनस 5x/2। जब ये बराबर के उधर जाएगी तो इसका साइन बदल जाएगा, ये माइनस है, यहाँ हो जाएगा प्लस, और यह है 5x/2। ये समझ आया बच्चों? ये नहीं सोचना कि ये x प्लस 7 को 7x लिख दिया, नो, x माइनस 8x को हमने लिखा माइनस 7x, और ये x वाली दूसरी रकम थी, इसको उधर ले गए, इसके साथ माइनस का निशान था, बराबर के उधर जाएगा तो ये प्लस का निशान बन जाएगा। अब क्या बच गया, 17/6 यहाँ पे पहले से है तो इसको ऐसे ही लिख दिया, ये प्लस 7 है, उधर जाएगा तो इसका भी साइन बदलेगा, ये बन जाएगा माइनस 7। अब हमें लघुत्तम लेके इन्हें हल करना है, यदि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 2 और 1 का लघुत्तम आएगा 2। अब हमने तरीका किया था नीचे वाले से भाग ऊपर वाले से गुना, 2 को 1 से भाग किया 2, 2 को ऊपर माइनस 7 से गुना कर दिया माइनस 14, साथ में है x, प्लस 2 को 2 से भाग किया 1, 1 को ऊपर 5x से गुना किया 5x। इस चीज़ को बच्चों समझना है आपने, ठीक है, जहाँ से ना समझ आए वीडियो पीछे ले जाओ दोबारा समझो, फिर वीडियो पीछे ले जाओ दोबारा देखो। यहाँ पर कुछ भी नहीं है इसके नीचे तो 1, 6 और 1, किसी भी नंबर का 1 के साथ लघुत्तम वो नंबर खुद होता है, तो 6 और 1 का जो लघुत्तम आएगा वो आएगा 6। अब फिर से नीचे वाले से भाग ऊपर वाले से गुना, 6 को 6 से भाग करेंगे, 6 को 6 से भाग करके आएगा 1, 1 को ऊपर 17 से गुना कर देंगे तो 17 एकम 17, बीच में माइनस का निशान है तो माइनस, 6 को 1 से भाग करो, 6 को 1 से भाग करके आया 6, उस 6 को ऊपर 7 से गुना कर दो, 6 7 42। तो कई बच्चे डर जाते हैं कि 17 में से 42 कैसे माइनस होगा, तो ये आप कर चुके हो पहले, इनसे डरना नहीं है। आइए आगे देखते हैं, यहाँ पर ये है माइनस 14x प्लस 5x, प्लस माइनस माइनस, दोनों x वाली रकमें हैं ना तो इसलिए आपस में प्लस हो सकती हैं या माइनस हो सकती हैं, प्लस माइनस माइनस, 14 में से 5 निकाले 9x, साथ में साइन बड़ी रकम का, बड़ी रकम थी 14, उसके साथ साइन था माइनस तो इसके साथ भी माइनस आएगा, 2 बराबर, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, 42 में से 17 निकाले 25, साइन बड़ी रकम का, बड़ी रकम है 42, उसके साथ निशान है माइनस का, 6। अब आगे हम x को हल करेंगे कैसे, देखिए बच्चों इसको ध्यान से देखिएगा, माइनस 25/6 यहाँ पर पहले से है, यहाँ माइनस 9x के साथ गुना हो रहा है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, 2x के साथ भाग हो रहा है, उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, सिंपल शब्दों में बोलूँ 9 यहाँ ऊपर था वहाँ जाके नीचे, 2 यहाँ नीचे था वहाँ जाके ऊपर, लेकिन हम मैथ के स्टूडेंट्स हैं तो हमें ऐसे ही याद रखना है कि माइनस 9x के साथ गुना हो रहा था इसीलिए उधर जाके भाग हुआ है, 2x के साथ भाग हो रहा था इसीलिए वहाँ जाके गुना हुआ है। अब हम इसे हल करेंगे, देखिए कैसे, जो इनमें से आपस में कटता होगा उसे हम काट देंगे, ठीक है बच्चों, जो भी आपस में कटता होगा, देखिए ये 2 और 6 आपस में कट सकता है, 2 एकम 2, 2 3 6, और इसमें से 3 और 9 आपस में नहीं कट सकते क्योंकि इनके बीच में तो गुना हो रही है। इसका अर्थ ये है कि हमारे पास देखिए ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा माइनस 25 गुना 1, माइनस 25 एकम माइनस 25, नीचे है, अच्छा एक चीज़ और चलो बाद में कर लेते हैं, चलो कर ही देता हूँ, ये माइनस के निशान से माइनस का निशान भी कट जाएगा, माइनस के निशान से माइनस का निशान भी कट जाएगा, तो ये माइनस अब यहाँ नहीं आएगा, सिर्फ 25 है यहाँ, और नीचे बच गया 3 गुना 9,
तीन ना या कितना होता है, 9 * 27। इसका मतलब जो हमें इस प्रश्न में निकालना है x का मान, वो x का मान हमारा कितना आया है, देखिए 25 * 27। कितना आया है, 25 * 27 आ गया है। तो बच्चों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया तो हमारे वीडियो को कृपया लाइक कीजिएगा। आपके लाइक करने से हमें हौसला मिलता है और मेहनत से अधिक वीडियोस बनाने का। धन्यवाद बच्चों।